हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ जोशी और आपका स्वागत है इस व्हाट्सएप के मास्टर क्लास में, जहां पर हम आपको व्हाट्सएप बल्क सेंडर सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज करना है ये सिखाने वाले हैं। तो चलिए, ये कुछ इस तरह से हमारा व्हाट्सएप का आउट लेयर जो है वो दिखाई देता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल आपने कर लिया है, सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। अब अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सेटिंग का बटन आपको दिख रहा है, इस सेटिंग के बटन के ऊपर जाना है और क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ब्राउजर में हमने सिलेक्ट करके रखा है बिल्ट इन ब्राउजर, यहाँ पर दो सिलेक्शन आएंगे, बिल्ट इन ब्राउजर एज वेल एज क्रोम। तो आप बिल्ट इन ब्राउजर ही सिलेक्ट करके रखिए, क्रोम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और आपको क्या करना है, सेव कर लेना है और फिर चेक फॉर इंटरनल अपडेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। काफ़ी बार ये देखिए डन आ गया है, काफ़ी बार 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। अब बिल्ट इन ब्राउजर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो बिल्ट इन ब्राउजर ऑलवेज होता है हमारा एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ये वाला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपडेट एज ड्राइवर ये कर देना है और वेट करना है। अगेन आपको कुछ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट या 5 मिनट तक का टाइम जो है वो जाएगा, तब तक आपको पेशेंस रखनी है, कुछ नहीं करना है जब तक डन नहीं आ जाता है। अगर डन आने से पहले आपने हड़बड़ी, ये देख लीजिए आ गया, इतना ही टाइम लगता है, काफ़ी बार ज़्यादा टाइम लगता है। सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आती है आपको यही चीज़ करनी है। अगर यहाँ पर आपने क्रोम सिलेक्ट करके रखा है तब आपको अपडेट क्रोम ड्राइवर बस इसके ऊपर क्लिक करना है और वेट करना है। संभवतः आप दोनों के ड्राइवर जो हैं वो उसको अपडेट मोड में ही रखिए। कभी कभार क्या है, स्विच करके ये देखिए अपडेट हो गया है। अब आपको सारे सेशंस जो है उसको क्लियर करने हैं, क्लियर सेशन। ओके, अभी हमने ये यूज करना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से हो रहा है, अगर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेगा। क्लियर प्रोफाइल कैची, ये देखिए थोड़ा सा वक्त जो है वो ले रहा है, प्रोफाइल कैची में कुछ ना कुछ हो सकता है इसलिए। और ये कलर जो है वो भी आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, कलर थोड़ा इसका और इसका अलग है क्योंकि ये अभी प्रोफाइल कैची क्लियर होने के प्रोसेस में है, तो ये ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो में आपको वो बता रहा हूँ, ये नॉलेज अगर आपने ले लिया तो आपको सपोर्ट के लिए कभी भी किसी को भी फोन नहीं करना पड़ेगा, कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ से आप अपना लाइसेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, कितने वक्त का लाइसेंस आपके पास है। काफ़ी लोगों के पास 1 साल का होता है, काफ़ी के पास 10 साल का होता है। यहाँ पर हमारा लाइसेंस जो है वो 12 मई 2033 को एक्सपायर होने वाला है, यानी कि 1 साल का वर्जन इसमें हमने डाला है। और हम फिलहाल ये वीडियो जो है वो 3.2.0 इसके ऊपर बना रहे हैं, एक्टिवेटेड है। अगर चेक करना है कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते। क्लोज। अब क्या करना है दोस्तों, हमने बिल्ट इन ब्राउजर रखा था इसलिए हमें यहाँ पर अकाउंट्स जो है वो दिख रहा है, ये देख सकते हैं हम मल्टीपल अकाउंट इसमें लॉग इन करके रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्रोम सिलेक्ट कर लेते हैं तब वो अकाउंट वाला सेक्शन जो है वो हमारा चला जाएगा, तब हम एक ही अकाउंट से प्रोसेस कर पाएंगे। अकाउंट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल हम वापस से आ जाते हैं अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप अगर 4 से 5 व्हाट्सएप के अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखना चाहते हैं तब आप इसमें कर सकते हैं बिल्ट इन ब्राउजर में, जो चीज़ आप क्रोम में नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दिक्कत ये है, डिफरेंस ये है, यहाँ से ऐड अकाउंट कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे अपग्रेड इंडिया, इंडिया में आए हम बड़ा करेंगे। अकाउंट ऐड हो चुका है, अब क्या करना है, हमें लोड में जाना है और यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का बार कोड जो आता है उसको हम स्कैन करेंगे कुछ इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। व्हाट्सएप के सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, मैं जाकर आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ कि कहाँ से ये चीज़ आएगी, वैसे हर कोई जानता है, ये देख सकते हैं आप मेनू के अंदर सेटिंग्स में लिंक्ड डिवाइस, वहाँ पर जाएंगे मेनू के अंदर सेटिंग्स में लिंक्ड डिवाइस,
इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं लिंक डिवाइस, तो ये देख सकते हैं कैमरा जो है वो मेरा खुल चुका है और इस कैमरे से मैं इसको स्कैन भी कर सकता हूं, जो कि ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप इसमें कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप स्कैन करते हैं तो कुछ इस तरह की प्रोसेस होगी जिससे आपका व्हाट्सएप, आपके मोबाइल का व्हाट्सएप जो है वो आप सीधा एक्सेस कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में। तो बहुत ही आसान तरीका है। फिलहाल मैं इसमें से लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉग्ड इन है। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आई होप ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। आप मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ही धीमा चलता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट है, आपके मोबाइल के साथ इसका कनेक्शन है, आपके इंटरनेट के साथ आप इसका कनेक्शन है, और आपके लैपटॉप के साथ और उसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी इसका कनेक्शन है। तो ये सारी इतनी चीज़ें मिला के ये एक सॉफ्टवेयर चलता है। इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, और आपका प्रोसेसर अगर हाई एंड है तो दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मेरे कंप्यूटर में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। साथ ही ये डिले सेटिंग्स हमने यहाँ पर रखे हैं, डिले सेटिंग्स आप देख पा रहे हैं। वेट 10 से 20 सेकंड का करेंगे हर 10 मैसेज के बाद, इससे बैंड में व्हाट्सएप अगर नंबर बैंड होने में आपको राहत मिलेगी, आपका नंबर जो है वो बैंड नहीं होगा। एंटी बैंड टेक्निक इसे कहा जाता है। वैसे हमारा एंटी बैंड व्हाट्सएप कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना uiearn.com के ऊपर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। और हर एक मैसेज के बाद 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड का टाइम गैप जो है वो रहेगा। इस दोनों टाइम गैप को ऑलवेज फ्लेक्सिबल रखना है, फिक्स नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है, 4 से 8 सेकंड हमने रखे हैं, 4 सेकंड और 4 सेकंड ये नहीं रखना है। इस टाइम को हम फ्लेक्सिबल रखेंगे ताकि व्हाट्सएप सर्वर को ऐसा ना लगे कि कुछ स्पैमिंग हो रहा है। ठीक है, ये इतनी सी बात हम समझ चुके हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम मैसेज करना सीखेंगे, किस तरह से हम मैसेज कर पाएंगे, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये सारे फंक्शंस जो है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।